यहाँ पर इस वीडियो की सबसे खास बात यह है कि वो लोग जो कि 12th पास हैं, वो भी इसके लिए एलिजिबल हैं, वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, वो भी एयरलाइन एयरपोर्ट में जॉब पा सकते हैं। दोस्तों, मैं अभय फिर से आपके लिए ढेर सारी वैकेंसी का अपडेट लेकर आया हूं। और आज का ये जो वीडियो है दोस्तों, ये है इंडिगो एयरलाइंस में अभी जो भी वैकेंसीज हैं, खास तौर से फ्रेशर्स के बारे में, यानी कि जिनके पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, उन लोग के लिए जो वैकेंसीज होंगी उनके बारे में क्या है, कैसे है, जानने के लिए वीडियो को ध्यान से देखते रहिएगा। चैनल पे पहली बार आ रहे हैं, ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव कंटेंट्स चाहिए तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिएगा इस वीडियो को, ऐसे ही कंटेंट्स आपको हमेशा मिलते रहेंगे। और सबसे खास बात, एयरलाइन एयरपोर्ट के जॉब के अलावा अगर कोई आप जॉब ढूंढ रहे हैं तो दोस्तों मैं आपको रेकमेंड करता हूं एक मोबाइल एप्लीकेशन, लिंक उसका वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जाइए लिंक पर क्लिक करके मोबाइल एप्लीकेशन इंस्टॉल कीजिए और जॉब ढूंढना चालू कीजिए। सो फ्रेंड्स, आज की ये जो वैकेंसी है जो कि है इंडिगो एयरलाइंस की, इसमें मैं आपको अपडेट दूंगा ग्राउंड स्टाफ केबिन क्रू के अलावा बाद बाकी जो वैकेंसीज हैं वहां भी अगर फ्रेशर्स के लिए कोई वैकेंसी होगी तो उसके रिगार्डिंग आपको अपडेट दूंगा। सो फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले जो केबिन क्रू की वैकेंसीज हैं उनके बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं वीडियो के स्क्रीन पे, ये जो डिटेल्स आपको शो कर रहा है अभी, ये है केबिन क्रू के वॉकिंग इंटरव्यू। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप देख पा रहे हैं वीडियो के स्क्रीन पे। यहां पर अभी के टाइम में जो वैकेंसी शो कर रही हैं वो हैं गुवाहाटी, दिल्ली, बेंगलुरु, भुवनेश्वर, देहरादून, गुड़गांव, हैदराबाद, नागपुर, मुंबई, पुणे, जयपुर, इम्फॉल, कोलकाता, गुड़गांव, विशाखापत्तनम, पांडिचेरी, अहमदाबाद, इंदौर, कोलकाता। और दोस्तों, इसके अलावा आप देख पा रहे हैं ये सारी की सारी जो वैकेंसी है दोस्तों ऑल ओवर इंडिया बेसिस पे है। अगर आप फीमेल हैं, आप एयरलाइन में जॉब पाना चाहती हैं, तो आपको इसके लिए जरूर ट्राई करना चाहिए। एप्लीकेशन प्रोसेस किस तरह से क्या करना है वीडियो में मैं आगे बात करूंगा। अभी बात करते हैं जो दूसरे टाइप की वैकेंसी है जो कि है ग्राउंड स्टाफ के लिए। यहां पर आगे बढ़ने से पहले एक बात आपको बताना चाहूंगा, जितनी भी यहां पर वैकेंसी मैंने बताया केबिन क्रू के रिगार्डिंग, ये सारे के सारे वॉक इन इंटरव्यू हैं। वॉक इन इंटरव्यू मतलब अगर आप इसके एलिजिबल हैं तो अप्लाई कीजिए, जो कोड मिलता है उसे नोट कीजिए अपने रिज्यूम पे और चले जाइए डायरेक्टली वॉक इन इंटरव्यू के लिए। दोस्तों, अभी के टाइम में इंडिगो एयरलाइंस में जो ग्राउंड स्टाफ की वैकेंसी है उसमें सबसे टॉप में दिखा रहा है दिल्ली, लेकिन आपको यहां बताना चाहूंगा ये वैकेंसी ऑलरेडी खत्म हो चुकी है, क्योंकि दोस्तों ये था एक वॉक इन इंटरव्यू जो कि कंडक्ट हुआ 30th of November को, और इसके रिगार्डिंग 2-3 बार मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। इसके अलावा दोस्तों, दिमापुर और चेन्नई की ये जो वैकेंसीज आप देख पा रहे हैं इसके लिए फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, अगर आप सिक्योरिटी स्क्रीनर हैं तो। दोस्तों, गुवाहाटी, जयपुर, पुणे, राजकोट, श्रीनगर, जम्मू, गोरखपुर, कर्नूल, त्रिवेंद्रपुरम में ये जो वैकेंसीज हैं इसके लिए वो लोग एलिजिबल हैं जिनके पास सिक्योरिटी स्क्रीनर्स का सर्टिफिकेट है, यानी कि जिनके पास एक्सपीरियंस है वो अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, इसके अलावा हैदराबाद, बेंगलुरु, कोयंबटूर, चेन्नई, तूतीकोड़ी, देवघर, मैंगलोरु, विशाखापत्तनम और कार्गो में ये सारी की सारी वैकेंसीज जो अभी आप देख पा रहे हैं साउथ वाले पार्ट में, इन सब में दोस्तों फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं। डिफरेंट तरीके से आप जिस वैकेंसी के लिए भी एलिजिबल हो, आप जिसमें अभी अप्लाई करना चाहते हैं, आपको अप्लाई करना चाहिए। एप्लीकेशन प्रोसेस के रिगार्डिंग सैलरी कितनी मिलेगी बात करते हैं आगे, इंटरव्यू का प्रोसेस क्या है बात करते हैं आगे, अभी बात करते हैं जो अदर टाइप की वैकेंसीज हैं 12th बेसिस पे केबिन क्रू से हट के जो वैकेंसीज है जिसके लिए मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं, फ्रेशर्स भी अप्लाई कर सकते हैं। और ये वैकेंसी दोस्तों आप देख पा रहे हैं ये है फ्लाइट डिस्पैचर की। दोस्तों, यहां पर ट्रेनी दिया है, ट्रेनी इन द सेंस कि फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं। जिसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो दोस्तों आप 10+2 होने चाहिए, 12th पास होने चाहिए, जिसमें फिजिक्स और मैथ मैंडेटरी है। अगर आपको इसमें मजा आता है तो आपको जरूर इसके लिए ट्राई करना चाहिए। दोस्तों, अप्लाई करने का लिंक मैंने डाल रखा है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, लिंक पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का वेब पेज होगा। आप यहां पर देख पा रहे हैं वेलकम बैक इंडिगो की साइट है। अगर आपने पहले से रजिस्टर कर रखा है तो ईमेल आईडी पासवर्ड डालकर लॉग इन कीजिए और उसके बाद अपना डिटेल फिलअप कीजिए। अगर आपने रजिस्टर कर रखा है लेकिन पासवर्ड भूल गए हैं तो फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक कीजिए। फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों, ये मैं आपको बता रहा हूं मोबाइल से, कुछ इस तरह का आपको वेब पेज ओपन होता है। यहां पर योर वर्क ईमेल, यानी कि यहां पर आपको वो ईमेल आईडी डालनी है जिससे आपने रजिस्टर किया था। रजिस्टर करने के बाद सेंड मी इंस्ट्रक्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके ईमेल पर चला जाएगा एक लिंक। फिर आप जाइए अपने ईमेल आईडी पे, वहां पे लिंक पे क्लिक कीजिए। लिंक पे क्लिक करके दोबारा से अपने पासवर्ड को रिसेट कीजिए और फिर दोबारा से आपको आ जाना है इस वाले पार्ट पे, ईमेल आईडी और पासवर्ड डालकर आप यहां पर लॉगिन कर लीजिए। लेकिन अगर आपने थर्ड पॉइंट में रजिस्टर ही नहीं किया है तो नीचे आप देख पा रहे हैं साइन अप पे, यहां पे क्लिक करेंगे दोस्तों तो कुछ इस तरह का वेब पेज ओपन होता है। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, योर ईमेल, पासवर्ड, आई एम नॉट रोबोट पे क्लिक करके नीचे आप साइन अप पे जब क्लिक कर देंगे
तो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है। अब आपको अपना प्रोफाइल वेरीफाई करना है। अपने ईमेल आईडी पर जाइए, प्रोफाइल को वेरीफाई करने के लिए जो लिंक होता है उस पर क्लिक कीजिए और उसके बाद दोबारा से आप आ जाइए इसी वाले पेज पे जहां पर ईमेल आईडी और पासवर्ड डालकर आपको लॉग इन करके आपको पूरा डिटेल फिलअप करना है। और दोस्तों अब बात करते हैं सैलरी के बारे में। दोस्तों ग्राउंड स्टाफ में बात करें तो सैलरी आपको अराउंड 22,000-25,000 के आसपास मिलती है। ये सिटी टू सिटी वेरी करता है। वहीं अगर बात करें कैबिन क्रू की सैलरी के बारे में तो दोस्तों ट्रेनिंग के टाइम में तो आपको अराउंड 25,000 के आसपास मिल सकता है। ये आसपास भी हो सकता है, कम ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग आपके फ्लाइंग आवर्स पे डिपेंड करता है कि आप कितना फ्लाई करते हैं, उसके अकॉर्डिंग भी आपकी सैलरी में इजाफा होता है, आपकी सैलरी इंक्रीज होती है जो कि अराउंड 30+ आ सकती है। और अब बात करते हैं इंटरव्यू के प्रिपरेशन की। दोस्तों क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं लेकिन वीडियो के स्क्रीन पे जो अभी आप देख पा रहे हैं क्वेश्चंस, ये वो क्वेश्चंस हैं जो कि बार-बार पूछे जाते हैं। आप इनको नोट कीजिए, गूगल पे चले जाइए, वहां पर इसका डिटेल चेक कीजिए और उसके अकॉर्डिंग आप तैयारी कीजिए। लेकिन मेरे साइड से कोई हेल्प चाहिए, आपको वीडियो चाहिए तो दोस्तों इंटरव्यू की तैयारी के लिए ऊपर वाले वीडियो को देखिए और बाकी जानकारी के लिए नीचे वाले वीडियो को देखिए। बेस्ट ऑफ लक।